सन 2000 से तीन हस्तियों का बोलबाला रहा है टीवीसी जगत में। टीवीसी यानी टेलीविजन कमर्शियल, ये तीन चेहरे हैं इस सदी के सबसे बड़े सितारे। अमिताभ बच्चन, द किंग खान ऑफ बॉलीवुड यानी कि शाहरुख खान, और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। इस लिस्ट में इकलौते खिलाड़ी सचिन ही हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू में कोई खास गिरावट नहीं आई है। इसके चलते सचिन दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं। क्रिकेट लगभग हर घर में देखा और खेले जाने वाला खेल है। लोकप्रियता के हिसाब से क्रिकेट ने हमारे राष्ट्र खेल हॉकी को भी पीछे छोड़ दिया है। इसमें 1983 वर्ल्ड कप जीत की बड़ी भूमिका रही है। अब क्रिकेट भारत में एक धर्म बन चुका है और क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और सबसे पूजे जाने वाले भगवान सचिन तेंदुलकर हैं, और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इतना कामयाब होने के बावजूद भी सचिन के सरल और सीधे स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया है। शायद इसीलिए समाज का हर तबका सचिन को प्यार करता है, और मार्केटिंग के लिए यही गुण चाहती हैं दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज। ये तो हम सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था, और अपने पहले ही साल में उन्होंने अपनी पहली डील साइन की थी जॉनसन एंड जॉनसन बैंडेड की। इस एडवर्टीजमेंट से सचिन ने अपना टीवी डेब्यू किया था। फिर बूस्ट नामक एक एनर्जी ड्रिंक ने युवा सचिन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सचिन और कपिल देव के उस आइकॉनिक कमर्शियल को आज भी लोग याद करते हैं। उन दिनों सचिन तेंदुलकर डील तो साइन करते थे, लेकिन असलियत में उनके डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया करते थे उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर, और उसकी एक खास वजह थी। और वो वजह ये थी कि तब तक सचिन की उम्र 18 साल से कम थी। जहां 1990 के दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश की आर्थिक स्थिति सुधार रहे थे, सचिन क्रिकेट की आर्थिक स्थिति के विकास में लगे हुए थे। क्रिकेट की फील्ड पर तो सचिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े जा रहे थे, पर बिजनेस की फील्ड में भी सचिन का सितारा चमकता ही जा रहा था। MRF के साथ 100 करोड़ की डील साइन करने वाले सचिन पहले क्रिकेटर बने थे। इस डील के तहत सचिन अपने बल्ले पे MRF का लोगो लगाते थे। वैसे तो MRF एक टायर कंपनी है, पर ताज्जुब की बात है कि उस दौरान देश का हर एक बच्चा MRF के बल्ले से खेलने की ख्वाहिश रखता था। सचिन तेंदुलकर अक्सर अपने मैनेजर मार्क मैस्करेनस का भी जिक्र करते हैं। अब मार्क दुनिया में नहीं रहे, सचिन मार्क के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि 2001 में सचिन और मार्क की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी वर्ल्डटेल के बीच 100 करोड़ का सौदा हुआ था। कहा जाता है कि मौजूदा दौर में सचिन की नेटवर्थ 1296 करोड़ रुपए है। उनकी एंडोर्समेंट की लिस्ट में एक से एक दिग्गज कंपनियां हैं, जैसे BMW, एडिडास, जिलेट। सचिन देश की सेवा में भी अपना योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए हर साल सचिन तेंदुलकर 200 से ज्यादा गरीब बच्चों की देखभाल और पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। सचिन तेंदुलकर नेकी कर और दरिया में डाल, इस कहावत को मानने वाले क्रिकेटर हैं। सचिन को इन सब बातों का जिक्र करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद अपनी मेहनत और इन दुआओं के बल पर ही सचिन तेंदुलकर दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते आए हैं, और हमारी भी यही कामना है कि उनकी तरक्की की रफ्तार इसी तरह से कायम रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। स्पोर्ट्स कीड़ा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।